हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज हम बनाते हैं इंडियन स्टाइल पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स को कट करके रख लिया। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सारे वेजेस को कट करके रख लिया है। आप अपनी पसंद के वेजेस को यहाँ पर डाल सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन को कट करके रख लिया। चलिए अब हम चलते हैं पास्ता मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए। तो उसके लिए मैंने पहले, आप पास्ता मैक्रोनी बनाने के लिए भी कोई भी शेप का पास्ता या मैक्रोनी यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमें मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए पानी को बॉयल करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, जिससे वो चिपचिपे ना बने। देन पानी बॉयल होने के बाद हम उसमें पास्ता ऐड कर दें। और आपको याद रहे कि आपको पास्ता को पूरा कुक नहीं करना है, उसे हाफ से ज़्यादा कुक करना है। और अगर आप मेरी बताए हुए रेसिपी से बनाएंगी तो आपका पास्ता बहुत ही लाजवाब बनेगा। फिर पास्ता में आप थोड़ा ऑयल लगा के उसे रख दें, जिससे कि वह चिपचिपे ना बने। अब चलते हैं हम पास्ता बनाने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने पैन गर्म कर लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। देन उसके बाद कट किए हुए सारे वेजेस हमें ऐड करना है। और याद रहे, आपको यहाँ पर शिमला मिर्च बाद में ऐड करना है, जिससे वह क्रंची रहे और जल्दी सॉफ्ट ना हो। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, जिसे मैंने लंबे लंबे कट किया है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। इसे फ्राई गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद अब हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। थोड़ा कुक हो जाने के बाद अब हम इसमें कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। याद रहे कि आपको टमाटर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऐड करने हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे साथ में नमक ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें अच्छे कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए टमाटो सॉस। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर ले, देन आप इसमें बॉयल किए हुए पास्ता ऐड करते, पास्ता मसाला ऐड करते। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो आप इसमें मैगी मसाला, थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। देन इसके बाद मैंने इसमें सारे मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं और मिक्स कर ले। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ या जो भी चीज़ आपके पास हो, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। देन हमारा पास्ता बनके रेडी है। अब चलते हैं हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। देखिए कितना खूबसूरत बना है, आप ही ट्राई कीजिए।